हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी स्नेह माँ की किचन में होली स्पेशल में बनने जा रही एक ऐसे स्नैक्स की रेसिपी, जिसमें ना ही हमें सूजी लेनी है, ना बेसन, ना मैदा, ना आटा, और बिना किसी शक्कर और घी के ये रेसिपी बनेगी एकदम ऊपर से खस्ता और अंदर से एकदम सॉफ्ट, बहुत ही मजेदार। एक बार बनाइए और महीनों भर खाइए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। तो जिसके लिए लेते हैं पैन, इसमें हम डाल देंगे एक कप के अनुसार गुड़। तो यहाँ पे हम शक्कर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे उतना ही हम डाल देते हैं पानी। और यहाँ पे हमें गुड़ मेल्ट होने तक अच्छे से इसको पका लेना है। और यहाँ पे दोस्तों, हमें कोई चाशनी की नहीं बनानी है इसकी, यानी कि एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है। बस यहाँ पे जो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, उतना ही हमें इसको पकाना है। और यहाँ पे देखिए, गुड़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ, और इस सिरप को कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा। और जब ये सिरप थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको छान लेंगे, क्योंकि कई बार जो गुड़ में काफी गंदगी भी होती है। तो यहाँ पे सिरप को हमने अच्छे से छान लिया है। और दोस्तों, आपका जो भी गुड़ आप उसका इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे बढ़िया से ये सिरप हमारा बनके हो चुका है तैयार। अब चलते हैं दोस्तों और लेते हैं एक बर्तन। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक बर्तन, आप कोई बड़ी परात भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1.5 कप बाजरे का आटा। तो दोस्तों, आज जो हम रेसिपी बनाने वाले वो हम बनाएंगे दोस्तों बाजरे के आटे से। और इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पे हम डाल देते हैं थोड़े से व्हाइट वाले तिल, साथ में हम डाल देंगे फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर। और यहाँ पे दोस्तों, हमें कोई मोइन वगैरह नहीं डालना, यानी कि बाकी हम चीज़ों में कई बार मोइन डालते हैं जिससे कि चीज़ खस्ता हो हमारी, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं डालनी है। तो सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करते हुए, जो हमने सिरप बना के रखा है गुड़ का, वो हम थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, अच्छा सा इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों कि एक बार में सारा सिरप नहीं डालना है, जिससे कि जो आटा हमारा बहुत ढीला ना हो जाए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सिरप डालेंगे और अच्छा से इसका एक डो लगा के तैयार करेंगे। एक बात और दोस्तों कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि बढ़िया से आटा हमारा लग के हो चुका है तैयार। तो यहाँ पे आपको जितना भी सिरप लगता है उतना आप यूज़ करें, अगर बच जाता है तो आप उसको साइड कर दें। तो इसमें से दोस्तों आटे में से मैं कर लेती हूँ 2 पार्ट में इसको डिवाइड। तो यहाँ पे एक पार्ट हम यूज़ करेंगे और एक पार्ट को हम साइड कर देंगे और उसको हम कर देते हैं कवर। तो यहाँ पे हमने ले लिया दोस्तों एक पार्ट, इसको इस तरीके से स्लैब काउंटर पे निकाल के थोड़ा सा एक बार अच्छे से मसल लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मसलते हुए इसका हम इस तरीके से एक रोल बना के तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही मोटा रोल हमें इसका नहीं बनाना है, अगर आप बड़े पीसेस चाहते हैं तो थोड़ा मोटा ही बना सकते हैं, लेकिन मैं बहुत मोटे पीसेस इसके नहीं बना रही, थोड़े छोटे ही बनाऊंगी। आपको जैसे मोटे पतले जैसे भी पीस बनाना, उसके हिसाब से ये रोल बना के तैयार कर सकते हैं। फिर दोस्तों, लेते हैं एक चाकू और चाकू से इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके तैयार कर लेते हैं। तो आपको अगर ज्यादा बड़े पीसेस चाहिए तो आप उसके हिसाब से थोड़े मोटे पीसेस भी कर सकते हैं, लेकिन इसके ना ही बहुत ज्यादा मोटे पीसेस कर रही हूँ मैं यहाँ पे, और ना ही बहुत ज्यादा पतले पीसेस कर रही हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, मैंने मीडियम साइज के इसके सारे पीसेस जो कट करके तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पे दोस्तों, एक पीस मैं आपको निकाल के भी दिखा रही हूँ, कितने बढ़िया एकदम परफेक्ट इसके पीसेस कट हुए हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, एकदम बढ़िया से इसकी डिजाइन भी बन के आई है। तो बहुत ही बढ़िया से डिजाइन सारी बन चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सभी पीसेस को हम निकाल लेते हैं। और इसी तरीके से अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो जाते हैं तो हाथों की हेल्प से हम इनको इसी तरीके से थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे पीसेस में निकालते हुए एक प्लेट पे इनको रखती जाऊंगी। ये दोस्तों, बाकी का जो हमारा आटा बचा हुआ उसका भी हम इसी तरीके से बना के तैयार करते हैं। और एक बात और दोस्तों कि अगर आपको लगता है कि आपका आटा जो ड्राई हो गया थोड़ी देर रखते हुए, सिरप हमारा बचा हुआ दोस्तों, वो सिरप हम इसमें डाल के आटे को फिर से सही कर सकते हैं। अगर आपका सिरप खत्म हो गया है तो आप इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी का भी हाथ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, दूसरे का भी हमने इसी तरीके से रोल बना के इसके भी हमने इसी तरीके से पीसेस कट करके तैयार कर लिए। तो यहाँ पे बढ़िया से सारी पीसेस जो हमारे कट होके हो चुके हैं तैयार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी सुंदर डिजाइन आई है सभी की, और यहाँ पे सभी पीसेस हमारे बनके हो चुके हैं इस तरीके से तैयार। अब चलते हैं दोस्तों गैस की तरफ। तो हमने ऑयल को पहले ही मीडियम हाई फ्लेम पे गरम कर लिया, उसके बाद हम कर देंगे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम पे। दोस्तों, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इनको फ्राई करना है, जिससे कि अंदर से एकदम ये सॉफ्ट होंगे और ऊपर से होंगे एकदम खस्ता। तो यहाँ पे दोस्तों, स्पून की हेल्प से इस तरीके से पलट देंगे, जब ये एक साइड से सिक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस टाइम पे ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो इनका टूटने का भी डर होता है, इसलिए आराम से इनको इस तरीके से पलट देंगे और दूसरी साइड से भी अच्छे से इनको सेक के तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, 3 से 4 मिनट ही लगते हैं इनको सिकने में, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, और झटपट इस तरीके से सिक के सारे तैयार होते जाएंगे। और जब इनका कलर जो दोनों साइडों से चेंज हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों हम इनको निकाल लेंगे बाहर। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कितने बढ़िया से इनका जो कलर चेंज हो चुका है, उनमें कितने अच्छे से सारी क्रैक्स आ चुके हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये क्रैक्स थी इनकी निशानी की, कितने बढ़िया से हमारे सारे क्रिस्पी एकदम खस्ता सिक्के तैयार हुए। तो चलिए दोस्तों, सभी को हम निकाल लेते हैं इस तरीके से बाहर, और जो बाकी के बचे हुए दोस्तों, उनको भी हम सेम इसी तरीके से सेक के तैयार कर लेंगे।
एक बार में जितने भी आपके बन जाते हैं उतने आप डाल दें। तो यहाँ पे सभी मैंने डाल दिए हैं और बढ़िया से इनको भी हम 3 से 4 मिनट में सेक के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाले भी सारे हमारे सिक्के हो चुके हैं तैयार और बढ़िया से एकदम क्रिस्पी ये नाश्ता हमारा हो चुका है इस तरीके से तैयार। तो दोस्तों आप यहाँ पे इनकी आवाज़ सुनिए, उन्हीं से आपको पता चल जाएगा कितनी क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनके तैयार हुआ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी क्रिस्पी इनकी आवाज़ आ रही है। 2 मिनट ही लगते हैं दोस्तों, जब ये ठंडे जाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। छोटी मोटी भूख हो दोस्तों, शाम का टी टाइम स्नैक्स हो या फिर मॉर्निंग में आपको कोई नाश्ता हल्का फुल्का चाहिए तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट नाश्ता होने वाला है दोस्तों। एक बार बनाइए और महीनों भर खाइए। और होली के लिए भी दोस्तों एकदम परफेक्ट नाश्ता है, बनाइए, डब्बा भरिए और आराम से स्टोर करिए। और यहाँ पे आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, अंदर से दोस्तों आप देख सकते हैं कितने सॉफ्ट ही बनके तैयार हुए, जैसे कि आपको टूटने से ही पता चल रहा होगा। अभी पूरी तरीके से गर्मी नहीं आई तो हम बाजरा, तिल और गुड़ का इस्तेमाल करके ये हेल्दी सा नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं और आराम से इस तरीके से कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आराम से आप इनको बना के इस तरीके से कंटेनर में फिल करके 1 महीने तक बाहर भी रखे तब भी ये बिल्कुल खराब नहीं होते। और दोस्तों बच्चे अगर खाने से इनकार करते तो इस तरीके से बच्चे शेप देखेंगे तो बच्चे भी कभी मना नहीं करने वाले। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये होली स्पेशल परफेक्ट एंड टेस्टी हेल्दी स्नैक्स रेसिपी? अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको साथ के साथ न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।